नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का जो सॉल्यूशन सैंपल पेपर गिवन बाय DOE दिल्ली सरकार ने जो सैंपल पेपर क्लास 9 का जारी किया है सत्र 2021-22 टर्म 2 का, उसका सेक्शन सी पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ। आपको जैसे कि ज्ञात है सेक्शन सी में कुल ये 4 मार्क्स के प्रश्न होंगे, चार मार्क्स के होंगे और ये ऐसे ऐसे 4 प्रश्न होंगे, तो ये इसमें 16 नंबर बनता है इसका। इसमें एक में इंटरनल चॉइस होगा, एक में इंटरनल चॉइस जो होगा इंटरनल चॉइस एक क्वेश्चन में होगा और इसमें 2 केस स्टडी सवाल से भी होंगे, केस स्टडी टाइप सवाल भी होंगे इसमें, जो थीम दिया रहता है फिर उस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। आइए सवाल को देखें। यहाँ पहला प्रश्न दिया है इसके गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए हमारे पास एक जो पॉलिनोमियल है x³ - 6x² + 11x - 6। अब यहाँ इसमें देखिए जो कि इधर कोई अंक नहीं होना चाहिए, नहीं है, और यहाँ पे 6 है तो 6 के फैक्टर निकाले, फैक्टर ऑफ 6 या 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है आप देखिए। इसमें होगा 6 का वैल्यू 1 +-1 +-1 +-2 से भी जा रहा है और +-3 और +-6 से जा रहा है, +-6 से जा रहा है, तो ये इसके ये हो गया। अब आइए बारी बारी से, एक बार 1 और एक बार -1 -2 -2 इस तरह से वैल्यू रख करके देखें किससे ये इसका इक्वेशन जीरो, मतलब इसका वैल्यू का पॉलिनोमियल का मान 0 हो रहा है, यानी ये कौन सा 0 है इसका, तो ये देखते हैं बारी बारी से। तो आइए बारी बारी से इसका वैल्यू रखते जाएं और देखें किस में ये 0 हो रहा है। तो px मान लेते हैं, px इजकल टू है x³ - 6x² + 11x - 6। तो एक बार +1 रखते हैं फिर -1 रखेंगे तो p₁ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x³ - 1³ - 6 × 1² + 11 × 1 - 6। तो इससे देखते हैं ये हो गया 1 - 6 + 11 - 6, तो 11 और 1 = 12, तो ये हो जाएगा 12 - 12 = 0। तो इसका मतलब ये इसका शून्यक हो गया, तो शून्यक हो गया यानी x = 1, 1 शून्यक है होगा, तो यानी x - 1 एक गुणनखंड होगा। अब इसी प्रकार एक बार -1 रखे चाहे तो अब x - 1 से भाग भी दे करके कर सकते हैं, लेकिन हम भाग दे करके नहीं ऐसे ही निकालेंगे। अब x का मान 1 रखेंगे, हमने -1 रख लिया तो यहाँ पे रखे p का मान -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा देखिए -6 × -1² + ये हो जाएगा 11 × -1 और फिर -6, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -6 और फिर ये हो जाएगा -11 और ये -6, ये 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा -24, तो ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये शून्यक नहीं है,
फिर अगला चलते हैं, अगला बारी बारी से हम सबका वैल्यू रखेंगे, तो पी हो जाएगा, पी टू रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इस ये इक्वेशन है, इसमें हम पॉलिनोमियल है तो इसमें रखें, तो यह हो जाएगा टू का क्यू और माइनस सिक्स इंटू टू का स्क्वायर और प्लस एलेवन इंटू टू माइनस सिक्स। तो यहाँ पे देखते हैं ये आठ और छः को चार से करेंगे तो चौबीस और प्लस बाईस और माइनस छः, तो छः चौबीस छः तीस और तीस, तीस माइनस तीस हो जाएगा बराबर में जीरो, तो ये इसका शून्यक है, तो ये इसका जीरो है। हमने देखिए जितने इसमें घात दिख रहे हैं आपको, ये जो घात दिख रहे हैं उतने ही इसके जीरो होंगे, तो यहाँ पे हमने ये रखा तो देखिए ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब x बराबर दो एक शून्यक होगा। तो इसको इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस टू एक गुणनखंड होगा, ये गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, तो दो निकल गया। अब तीसरा निकालना है, फिर हम माइनस टू भी रखेंगे तो देखिए क्या होता है, और वैसे देखिए हम डायरेक्ट निकालेंगे तो छः आना चाहिए, तो एक एक को यहाँ पे देखिए, एक ये आया एक और ये आया दो, एक को दो से करेंगे गुना तो दो आया, दो को किससे गुना करें तो छः आएगा, तो तीन से एक बार देखते हैं, तो यानी अगला आएगा तीन या प्लस माइनस तीन, तो यहाँ पे पी थ्री की वैल्यू निकाल के देखते हैं तो क्या होता है, थ्री का क्यूब, ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है हमारे पास, थ्री का क्यूब सिक्स इंटू थ्री का स्क्वायर और प्लस एलेवन इंटू थ्री माइनस सिक्स, इसको करेंगे तो तीन तिया नौ तिया सत्ताईस और नौ को छः से करेंगे नौ छक्के चौवन होता है, और ये करेंगे तो इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा तैंतीस और माइनस सिक्स, तो इस दोनों को जोड़े तो ये हो जाएगा साठ और ये भी साठ, तो साठ माइनस साठ बराबर में जीरो। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो कि पी इजकल एक्स इजकल टू थ्री एक शून्यक है, एक्स इजकल टू थ्री एक शून्यक होगा। तो इस प्रकार एक्स एक्स माइनस थ्री एक गुणनखंड होगा, तो हमारे पास तीन गुणनखंड आ गए, क्या क्या आया है, एक ये आया है, एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है, ये आया है, तो हम लिख सकते हैं जो कि आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर और प्लस ग्यारह एक्स प्लस छः, तो बराबर लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री, तो ये हो गया इसका गुणनखंड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे अगला दिया है उचित उपयुक्त सर्वसमिका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वसमिका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नौ 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 का क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक हजार में से एक गया, एक हजार मतलब इसको गुना करना डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा, सर्वसमिका ए प्लस बी ए माइनस बी वाला हम फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ए ये हो गया इसका क्यूब। अब हम जानते हैं जो कि ए माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यू माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी और इंटू इंटू सॉरी माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला होता है, तो इस पे हम यूज करें तो हमारा हो जाएगा 999 का क्यूब बराबर में लिख सकते हैं 1000 माइनस एक का क्यूब बराबर में, अब देखिए इसका क्यूब तो ये 1000 का क्यूब हो जाएगा माइनस थ्री इंटू एक हजार को एक से करेंगे गुना, एक हजार
इंटू एक, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा 9 9 9, 1000 में से एक गया तो, और माइनस में बी क्यू, बी क्यू हमारे पास है 1 का क्यूब, तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 3, और 3 बार 3 0 है तो 3 बार 3 3 0 लिखेंगे, 6 और 9, माइनस ये 3 को 1 से करेंगे 3000, और 9 को 9 9 9 9 को करेंगे 3 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 9 7 0 0 0, और इसका मतलब -1। अब सबको सॉल्व करेंगे तो ये 1 इधर इसके साथ जोड़ करके फिर इसमें से घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा सीधे हम 9 9 7 0 0 2 9 9 9, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी का दूसरा पार्ट ये दिया हुआ है 103 प्लस 107, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे वाला फॉर्मूला है x प्लस ए और x प्लस बी, तो इसका होता ये आइडेंटिटी है x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस में ए बी, तो ये इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करें, ये हो जाएगा 103 प्लस इंटू 107 बराबर में 103, के बदले हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 जो ऊपर लिखा है, और 100 प्लस 7। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 7 और 3 7 प्लस 3, और इंटू एक्स, एक्स है 100 प्लस ये जो होगा 7 गुने 3 7 गुने 3, तो इस तरह से हम करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 100 मतलब 2 बार है तो 2 00, और ये हो जाएगा 7 3 10 में को 100 से करेंगे तो 1000, और प्लस 21, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 0 0 1 1, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट दिया है जो कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू दिया हुआ है, और पी आर इजकल टू पी आर माइनस पी क्यू दिया हुआ, तो देखिए हम एक बार रफली बना लेंगे क्यू आर, और यहाँ पे क्यू पे 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, और ये बन जाएगा इस तरह से, ये 60 डिग्री, अब यहाँ पे पी हो जाएगा, तो इसमें देखिए पी आर बड़ी है या पी क्यू बड़ी है, यानी पी आर ये बड़ी है, ठीक है, और ये छोटी है, तो ये बड़ी होने के लिए जो अंतर होता है नीचे की ओर लाते हैं, यही देखना पहला काम होना चाहिए हमारा। तो आइए सवाल को हल करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने क्यू आर ले लिया, ये क्यू है ये आर है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का हमने आर्क ले लिया, यहाँ पे डी उसकी सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ पे आप कंपास लीजिए, कंपास का मुंह खोलिए अपने हिसाब से, और ये जो कंपास होता है जिसमें एक पेंसिल वाला हिस्सा होता है और एक नुकीला होता है, तो इसका अपने हिसाब से मुंह खोल लीजिए, अब नुकीला हिस्सा यहाँ रखिए और पेंसिल वाला हिस्सा इधर इस साइड रख करके आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लें, अब पहला कट, अब उसी चाप से जितना आपने रेडियस लिया है उतने ही रेडियस का यहाँ अब पॉइंटेड हिस्सा रखें और पहला कट काटें, तो ये जो कटेगा वो 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इस एंगल को
नीचे की तरफ, यहाँ पे आप जो नीचे की तरफ ये लाइन छोटा है तो नीचे की तरफ आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कीजिए, और जो अंतर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इस पे आर्क लगा करके, यहाँ से 2 सेंटीमीटर का आर्क लगा के यहाँ पे आप कोई बिंदु का नाम दे दीजिए, एस दे दीजिए, इसको बना लिए। अब इसको इससे मिलाते हैं, जो सबसे लास्ट में हमने लाइन ड्रॉ किया है यानी ये आर एस, आर एस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, यहाँ पे पी क्यू आर दिया हो ना, तो आर एस तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो क्या होता है इसके आधे से अधिक मुंह खोल करके, इस लाइन का आधे से अधिक मुंह खोल करके एक बार यहाँ से नीचे की ओर और ऊपर की ओर निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ से भी ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे। अब ये लाइन जहाँ पे कट करेगा, इसको कट करते हुए जाएगा, और इस लाइन को, पहले वाले लाइन को जो हमने ड्रॉ किया है ये, तो इस लाइन को एंगल बनाने वाला कौन जो लाइन था उसको जहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, जहाँ पे टच करेगा उसका नाम पी हो जाएगा। अब पी से इसको मिला दीजिए तो हमारा ये ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर, ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। इस तरह से आपको रचना करनी है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल केस स्टडी टाइप दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 5 मीटर, 3 लड़कियां खड़ी है, रेशमा, सलमा और मनदीप, 3 लड़कियां हैं जो आर एस एम पर दिया हुआ है, तो चित्र में दिया गया। अब कह रहा है जो कि रेशमा एक गेंद को सलमा के पास फेंकती है, सलमा मनदीप के पास फेंकता है, तो इस प्रकार सबके बीच में 6-6 मीटर की दूरी है, वो इसका केंद्र है, वो इसका केंद्र है, इस तरह ये भी दिया हुआ है, वो इसका केंद्र है। तो अब इसी का दूसरा फिगर दिया हुआ, यहाँ पे भी दिया हुआ है और इसी को एलेबरेट करके यहाँ पे दिया हुआ है। अब कह रहा है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी रेशमा और मनदीप ये बीच की दूरी ज्ञात करनी है और साथ ही ये निकालनी है, तो दो चीज़ निकालने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का में ये साइड आपको दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये रेडियस के बराबर ही है, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 है और ये 6 है, तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल आर एस ओ त्रिभुज में S बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालते हैं, S बराबर क्या हो जाएगा, हेरोन सूत्र का लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 5 + 5, तो बटे 2, जिसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 5 = 10 में से 8 गया, 10 और 6 = 16 का आधा यानी 8 हो जाएगा। तो त्रिभुज आर एस ओ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आर एस ओ, तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी यहाँ पे यूज करें, तो एस तो यहाँ पे आपके पास हो गया 8 और ये हो जाएगा 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया और 8 में से 3 गया, 8 में से 6 गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 5, ये 3 और ये भी 3 और ये हो जाएगा 2, तो 3 3 का जोड़ा निकल गया, और 3 3 का जोड़ा निकल गया और
आठ दूनी 16, यानी ये 4, तो ये हो जाएगा 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका एक और क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, तो एक ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो इस हम लिख सकते हैं त्रिभुज आर एस ओ का क्षेत्रफल जो होगा बराबर में एक बट बराबर में यहाँ पे लिखें 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई भी होता है। और ये दिया हुआ अभी तो निकला है 12, इस ये 12 निकला है और 1/2 और आधार, आधार तो यहाँ पे हो जाएगा ओ एस, यानी 5 हो जाएगा, 5 और ऊंचाई निकालनी है, यानी ये हो जाएगा इसमें एस और यहाँ पे ई दिया हुआ है, तो एस ई सॉरी आर ई आर आर ई तो हो जाएगा, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा आर ई बराबर में 12 × 2/5, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है आर ई इजकल टू हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर। अब आर ई निकल गया तो आर एम बराबर में क्या हो जाएगा, आर एम बराबर में हो जाएगा 2 × RE, तो 2 × 4.8 इजकल टू 9.6 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर हो गया जो उसके बीच की दूरी जो थी रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ये हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ओ ई की लंबाई ज्ञात करना है, तो ओ ई की लंबाई यानी इसके बीच की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये आ गया है, ये 4.8 आ गया है, तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, यानी इस तरह से ये हो जाएगा, ये 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ 4.8, और ये है ओ और ये ई, तो इस तरह से आप ओ ई ज्ञात कर सकते हैं। पर यहाँ पे ई है और ये ओ है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर सॉरी ओ ई स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और −4.8 का स्क्वायर, तो या ओ ई इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4.8 का करेंगे तो ये 48 का होता है, 23.04 यानी 2304 होता है, तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.96, तो आंसर आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो इसके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, ओ ई बराबर में 1.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे जो सवाल दिया है 14वां, ये आपसे कह रहा है जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे है, तो जहाँ जहाँ संख्या दी गई है उसको अंडरलाइन करें, यहाँ पे पूरा डिटेल इसके बारे में दिया है। तो यहाँ पे देखें 2000 ड्राइवरों को यादृच्छाया चुना गया है, 2000 हो गया टोटल। अब आपसे कह रहा है शहर में यादृच्छाया चुने गए ड्राइवर के लिए 1829 वर्ष, तो 1829 पे जाएं और एक वर्ष में ठीक तीन दुर्घटना वाला ये है, तो ये हो गया आपका, इसका कह रहा है 61, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 61/ टोटल कितने हैं 2000, इसको चाहें तो डेसिमल फॉर्म में लिखें या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरा कह रहा है शहर के यादृच्छाया चुने गए ड्राइवर के लिए एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं, तो कोई दुर्घटना नहीं है तो इसको जोड़ें, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5, 11 और 4 के 4
एक पाँच और चार पाँच नौ तीन बारह, 1251, इसको सबको जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसका कुल अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1251। और कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल जो ड्राइवर कितने हैं, 2000। इसको या तो ऐसे लिखे या डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको 2 से डिवाइड करके 3 अंक बाद डेसिमल डाल देंगे, दोनों सही है। ठीक है, तो ये था टर्म 2 का सेक्शन सी पार्ट। उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।